खबर चित्तौड़गढ़ के बेंगू से है, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और उदयपुर में चाकूबाजी में छात्र की हत्या के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने आधे दिन बाजार बंद रखा और सुबह 11 बजे साधु संत सहित बड़ी संख्या में नगर के आखरिया चौक से जन आक्रोश रैली निकालकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और जहां पर राष्ट्रपति के नाम यहां पर अब ज्ञापन सौंपा जाएगा सर्व हिंदू समाज का बंद का आह्वान। और देखिए चित्तौड़गढ़ के बेंगू से ये तस्वीरें जहां पर आधे दिन तक बाजार बंद रहे। हम 3 बजे सो रहे थे तो अचानक से बड़ा धमाका हुआ जिसमें यानी हमारा जो बिजली गिरने की आशंका है, जिसमें हमारा एसी फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक सामान थे जैसे टीवी और वॉशिंग मशीन सब खराब हो चुके। और सवाईमाधोपुर जिले के मित्रपुरा थाना क्षेत्र के दुतली गांव स्थित तालाब में एक अनियंत्रित कार गिर गई। ग्रामीणों ने तत्परता और सूझबूझ दिखाते हुए कार सवार 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं जेसीबी की सहायता से कार को भी तालाब से बाहर निकाल लिया। हादसे में कार सवार सभी लोगों की जान बच गई लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। और आपको बता दें कि दुतली तालाब में कुछ दिनों में ही अब तक इस तरह के आधे दर्जन हादसे हो चुके हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने तालाब पर सुरक्षा दीवार, रेलिंग और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है। और अब खबर झालावाड़ से है, जहां पर पुलिस ने अंतरराज्यीय एक चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से थाना गरोठ एमपी क्षेत्र से चुराई हुई एक तूफान गुजर गाड़ी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के नेछवा थाना इलाके में पिछले कई महीनों से लगातार पशु चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जिसे लेकर पाटोदा गांव के ग्रामीणों ने पहरा लगाकर 2 चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि पकड़े गए दोनों व्यक्तियों से सख्ती से पूछताछ की जाए। और अब खबर कोटपूतली के नारायणपुर से है, जहां पर कस्बे में एसटीएससी की ओर से 21 अगस्त को भारत बंद के समर्थन में एससीएसटी आरक्षण बचाव संघर्ष समिति की मीटिंग हुई। ये बैठक छीतरमल गोठवाल की संरक्षता में और बुद्धराम मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विरुद्ध आए फैसले को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और साथ ही व्यापारी वर्ग से भारत बंद का समर्थन करने का आग्रह किया। और देखिए खैरतल से बड़ी खबर है, घर पर आकाशीय बिजली गिरने का मामला। आकाशीय बिजली गिरने से घर के लेंटर में हुआ बड़ा छेद और घर के बिजली उपकरण हुए खराब। हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं आई है लेकिन घर का जो लेंटर है वो खराब हो गया और इसमें बड़ा छेद हुआ। घर पर आकाशीय बिजली गिरने से ये घर में बड़ा नुकसान देखा गया। घर के जितने भी बिजली उपकरण थे वो खराब हो गए। और खैरतल से ये तस्वीरें जहां पर एक घर पर आकाशीय बिजली गिरी और उसके बाद फिर हादसे में घर के लेटर में ये बड़ा छेद हो गया और फिलहाल गरिमत रही कि किसी भी तरह की जनहानि की सूचना अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। एक्चुअली ये हुआ कि हम 3 बजे सो रहे थे तो अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें यानी हमारा जो बिजली गिरने की आशंका है, जिसमें हमारा एसी फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक सामान थे जैसे टीवी और वॉशिंग मशीन सब खराब हो चुके हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से खबर है, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में श्रमिक की मौत से जुड़ा मामला। श्रमिक कपिल के परिजन कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग कर रहे हैं परिजन। वार्ता में भाजपा नेता संदीप कासनिया, पूर्व विधायक राजेंद्र भादू और परसराम भाटिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
और देखिए श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से खबर है, सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं परिजन। पावर प्लांट में श्रमिक की मौत से जुड़ा प्रकरण और यहां पर परिवार कर रहा है बड़े मुआवजे की मांग। और अजमेर से बड़ी खबर है, बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में फैसला आ गया है। 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट का बड़ा फैसला और अश्लील छाया चित्र से ब्लैकमेल कर युवतियों को ब्लैकमेल किया जाता था और फिर रेप किया जाता था उनका। और 1992 का ये मामला है और मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट पहले सुना चुका है निर्णय। और सुना चुका है निर्णय, आरोपी अलमास महाराज घटना के बाद से फरार चल रहा है और फिलहाल कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी माना है। मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट पहले से ही निर्णय सुना चुका है और आरोपी अलमास महाराज अभी भी इस घटना के बाद से फरार चल रहा है, फरारी काट रहा है। अजमेर से ये बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नवीन फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नवीन, कोर्ट का क्या कुछ फैसला इस बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जो बहुचर्चित 1992 का ब्लैकमेल कांड था उसमें अजमेर की पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने आज एक अहम फैसला सुनाया है और इसमें जो 6 आरोपी जो थे इन्हें सभी को दोषी करार दिया है। हालांकि अब इन्हें क्या सजा दी गई है इस संबंध में न्यायालय ने स्पष्ट नहीं किया है और न्यायालय ने 2 बजे इस संबंध में पूर्ण फैसला देने की बात कही है। लेकिन न्यायालय ने जो आरोपी है नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टारजन, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन, इन सभी को दोषी करार दिया है और ये दोषी करार देते ही सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस की वैन में इन्हें बैठा लिया गया है। अब दोपहर 2 बजे जो पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश है वो पूरा फैसला सुनाएंगे। या मैं आपको बता दूं कि अश्लील छायाचित्र के जरिए ब्लैकमेल कर युवतियों के साथ 1992 में गैंगरेप हुए थे और इस रेप के बाद कई युवतियां ऐसी भी थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये मामला अजमेर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियों में रहा था और इस मामले के जो 6 आरोपी थे वह लगभग 10 साल तक फरार रहे और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया और अब इस मामले में फैसला आया है। इतने लंबे समय के बाद आए इस फैसले को लेकर आज लगभग देश भर की निगाहें कोर्ट की ओर थी कि आखिर इन जो आरोपी है इन्हें क्या सजा दी जाती है, लेकिन कोर्ट ने इन आरोपियों को फिलहाल दोषी करार दे दिया। अब देखना यह होगा कि दोपहर 2 बजे क्या सजा सुनाई जाएगी। इस पूरे मामले में जो सरकार की ओर से जो पैरवी की अभियोजन पक्ष की ओर से वह ADP वीरेंद्र सिंह राठौर ने की। जी शुक्रिया आपका नवीन तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी माना है। और देखिए कोर्ट अपना अंतिम फैसला 2 बजे सुनाएगा और अभी फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और दोपहर 2 बजे कोर्ट का फैसला आएगा बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड पर और 6 आरोपियों को पहले से ही कोर्ट दोषी मान चुका है। दोपहर 2 बजे अब इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने 6 आरोपियों को माना दोषी और अभी जो अन्य आरोपी हैं वो पुलिस की हिरासत में है।